किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मेरे अमरूद के बाग में आया हुआ है। यह देखिए, यह रोग है, यह मिली बग था और अब ये इस तरह से हो गया है। किसान भाइयों, मैंने इसमें क्या उपाय किया है मैं अभी आपको पेड़ भी दिखाऊंगा, मैं उस सब के बारे में बताऊंगा और आज मैं इसका क्या उपचार करने जा रहा हूं मैं इस पर डिस्कस करूंगा। किसान भाइयों, जब मैंने ग्रुप में इसको पूछा तो ये बहुत मात्रा में आया हुआ था। पेड़ मेरे अधिक घिन के हो चुके थे, ये मेरा अधिक सघन बागवानी वाला बाग है जिस पर मैं खड़ा हूँ। मैंने इस पर रोगोर का स्प्रे करवाया था। सबसे पहले मैंने ये प्रोफेनोफास और साइप्रामिथिन का जो होता है, जिसे प्रोफेनोफास बोलते हैं, जो कोरसा 808 के नाम से आती है, मैंने उसका स्प्रे कराया था तो जो छोटे पौधे थे उन पर से ये ख़त्म हो गया। फिर मैंने देखा कि कुछ दिन बाद बड़े पौधों पर इसका अटैक होना शुरू हुआ और सेलेक्टेड कुछ ही पौधों पर था, लगभग 30-40 पौधे। तो मैंने फिर ग्रुप में बात की और मुझे बताया गया कि मैं रोगोर का स्प्रे करूँ। मैंने फिर रोगोर का स्प्रे करा और इससे मुझे थोड़े दिन के लिए छुटकारा। फिर मैंने देखा कि कुछ पौधों पर ये फिर से आ गया और इस प्रकार मैंने अब क्या किया है कि मैंने इनको अपने जो मेरे खेत पर काम करने वाले हैं उनको कहा कि ये सब पत्ते तोड़िए, क्योंकि कुछ पौधों पर ये बहुत अधिक मात्रा। मैंने ये सब पत्ते तोड़वाए हैं और आज से मैं इसका देखता हूँ कि हो सकता है जो मैंने मेरा ये 16 महीने का बाग है मेरे को एक भी अमरूद ना खाने को मिले, लेकिन मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसका मैं आपके साथ साझा करूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अमरूद के बाग में इस समय ये रोग कैसा दिख रहा है और फिर मैं इसका क्या प्रयोग करना चाहिए। आइए चलते हैं अमरूद के बाग। किसान भाइयों, ये देखिए, ये इस प्रकार लगा हुआ है, ये देखिए, ये इस प्रकार है। और देखिए, ये इसको इस प्रकार मैं चुनवा रहा हूँ, तोड़ो जरा इनके पत्ते, कि जो पत्ते हैं इनको तोड़कर एक जगह इकट्ठा करवा रहा हूँ और फिर इनको जला दूंगा, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कितने अच्छे अमरूद आए हुए हैं, ये फरवरी की प्लांटेशन है और ये अमरूद देखिए, ये जो थाई 1 kg है वो अमरूद है, इस पर दो तरह के अमरूद आते हैं, बहुत अच्छे अमरूद आए हैं। देखिए ये फरवरी की प्लांटेशन है, कितना बढ़िया अमरूद है, आप देखिए इससे संभल नहीं रहा, देखिए कितना बढ़िया अमरूद है। ये देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों अमरूद 0.5 किलो के होंगे। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए रोके थे। ये बाग है, ये देखिए, ये ललित है, कितना खूबसूरत अमरूद है, ये देखिए कितने बढ़िया अमरूद हैं। लेकिन इस रोग ने मेरे को परेशान कर दिया और मुझे नहीं पता ये इस बार ये क्यों आया। तो इस प्रकार मैं इसको चुनवा रहा हूँ, आप देखेंगे ये बीच में मैंने कुछ गेंदे के प्लांट भी लगाए हैं इसकी देख रेख के लिए, लेकिन मैंने ठान ली है अब मैं इसे पूरी तरह जैविक तरीके से ही ख़त्म करूँगा। चूंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जब भी आप दवाई डालते हैं तो दवाई के बाद फिर वो किसी न किसी रूप में आता है। आइए देखते हैं हम इसकी क्या तैयारी करते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए, इस ड्रम में मैंने 30 किलो जो 1 फीट नीचे की मिट्टी डाली है और जैसा मुझे सुरेंद्र सिंह जी ने बताया है जो गोरखपुर के, और संकल सरपमा आपके सामने बात करते रहते हैं, मैंने इसको 200 लीटर पानी में लिया है और इसे 5 मिनट के लिए ही मैंने चलाकर छोड़ दिया। 5 मिनट बाद मैंने इस टैंक में इसको भरवाया और ये देखिए, ये मैंने अहमदाबाद से नीम का तेल मंगवाया था, उस नीम के तेल में जो एक उन्होंने स्टिकर भेजा था, जितनी नीम की मात्रा है उतनी ही स्टिकर मैंने लिया और उसको मिला लिया, तो मैंने इसमें 13 टंकियों का 13 × 39 390 ml नीम का तेल लिया, 390 ml मैंने स्टिकर मिलाया और फिर उसमें 13 डब्बे पानी के मिला दिए। अब प्रत्येक टंकी में ये मिट्टी की मात्रा है और एक डब्बा ये जो है ना तेल का है, यानी एक डब्बे का मतलब है 30 ml उसमें नीम का तेल आ गया। आज मैं ये करूँगा, घर पर छाछ मेरी 2 दिन पुरानी हो चुकी है तो वो 5 दिन पुरानी, लेकिन उसमें तांबे का बर्तन 2 दिन से डाला है और ठीक 4 दिन बाद और मैं उसको फिर इसी तरह मिट्टी में छाछ मिलाकर करूँगा
और मैं सारा आपके साथ साझा करूंगा। किसान भाइयों, ये देखिए, इसकी कटिंग की थी मैंने अक्टूबर में के फर्स्ट वीक में। देखिए, ये अमरूद अब पकने के बस शुरू होने वाले हैं, लगभग 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तोड़ने शुरू हो जाएंगे। मैंने, ये मेरा 16 महीने का बाग है, फिर बता रहा हूँ, ये 20 से 22 जून 2018 को लगाया था और इसकी 3 बार कटिंग हो चुकी है। और जब मैंने कटिंग की थी उसके बाद फिर देखिए ये फ्लावर आने शुरू हुए। ये जो फल मिलेंगे ये मेरे को हस्तबहार के मिलेंगे, जो कि फरवरी मार्च में आएंगे। देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग आई थी, ये देखिए ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग। बस मुझे इस रोग ने थोड़ा परेशान कर दिया। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह 3 दिन के अंतराल के बाद मैंने इसमें एक बार जो 15 किलो ऊपर की मिट्टी और 15 किलो नीचे की, 1 फीट नीचे की मिट्टी का स्प्रे कराया था, और उसके बाद केवल जो नीचे की मिट्टी थी उसका स्प्रे कराया था, लेकिन उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने उसको भी आधा घंटा छोड़ दिया था, जबकि उसको 5 मिनट बाद ही मिलाना था, ये मेरे को बताया गया। तो ये मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है, ये ललित है इस पे, ये अक्टूबर की फ्लावरिंग है जो आ रही है, और इसको मेरे को हस्त बाहर के अमरूद हैं। देखिए कितने अच्छे, ये फरवरी की प्लांटेशन है, ये थाई 1 kg है जिसे VNR बोलते हैं, ये मैंने रोका हुआ है, और ये देखिए। तो अब मुझे अपने बाग को इस मिलीबग या सफ़ेद बीमारी से बचाना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं इसमें, अगर पूरा ही बाग ख़त्म होने को हो गया तो ही मैं इसमें कोई भी पेस्टिसाइड डालूंगा, अन्यथा नहीं। देखिए ये अमरूद लगभग मेरे ख्याल में 10 दिन में ये टूटने के लायक हो जाएगा, 10 दिन बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितने अच्छे अमरूद हो गए, ये देखिए। अमरूद ही अमरूद, ये देखिए 16 महीने का बाग है, कितने अमरूद लगे, ये देखिए कितने साफ, ये ललित है पेड़ जो है ना, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे अमरूद हैं, बड़े बड़े। किसान भाइयों, ये था बाग में मिलीबग का प्रकोप और उसका उपाय। किसान भाइयों, अमरूद के बारे में और नींबू के बारे में मेरा केवल 1.5 वर्ष का अनुभव है, लगभग 1.5 वर्ष का अनुभव। जो कुछ मैंने सीखा है आप सबके, जो डिस्कस करते हैं हम अपने अमेजिंग किसान टेलीग्राम ग्रुप में, उससे सीखा है, और उस पर मैं कुछ पढ़ता भी रहता हूँ, रिसर्च पेपर भी पढ़ता हूँ, और जो अमरूद और नींबू पर विभिन्न वेबसाइट हैं उनको भी पढ़ता रहता हूँ, और फिर कोई निष्कर्ष निकालता हूँ कि चलो ये प्रयोग करेंगे। जैन साहब कहते हैं कि किसान को प्रयोग करते रहना चाहिए, ये मेरा प्रयोग है इस बीमारी के बारे में जिसे मिलीबग कहते हैं, और क्या उपाय है, क्योंकि पेड़ बहुत हैं इसलिए स्प्रे के बिना नहीं हो सकता, नहीं तो आप पत्ते तोड़ दीजिए, और इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो 90% का आता है उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी इसका उपाय होता है मिलीबग का, लेकिन इतने पौधों में मैं इस प्रकार नहीं कर सकता। तो मैंने सुरेंद्र सिंह जी और संकल शर्मा जी, जो हमारे अमेजिंग किसान टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य हैं, उनकी थ्योरी को, थ्योरी पर चलकर उनके एक प्रयोग कर रहा हूँ, उनका जो सिद्धांत है जिस प्रकार में करते हैं उस पर चलकर मैं प्रयोग कर रहा हूँ। हो सकता है मैं सफल हूँ, हो सकता है मैं असफल, ठीक 10 दिन बाद मैं आपको फिर इसकी हालत दिखाऊंगा। आज मैं मिट्टी और नीम के तेल का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि छाछ नहीं है, नहीं मुझे छाछ भी मिलानी चाहिए थी। ठीक 3 या 4 दिन बाद, अगले शनिवार या इतवार को या शुक्रवार को, मैं इस पर इसी मिट्टी और छाछ का स्प्रे करूँगा, और फिर आपको दिखाऊँगा कि बाकी क्या हाल है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।